नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरिन। पंचनामा आप देख रहे हैं, तेज रफ्तार के साथ करेंगे हर बड़ी खबर का पंचनामा। महाराष्ट्र में कल किसकी लगेगी लॉटरी, दिखाएंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। नीतीश के मन में क्या चल रहा है, क्या बिहार में महाराष्ट्र मॉडल वाला खेला होगा, आगे पंचनामा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शगुन शर्मा। इसके साथ ही मौसम का पंचनामा भी करेंगे। पहाड़ पर कुदरत के क्रोध ने मचाई है भारी तबाही, दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं जीएस विवेक। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की बल्ले बल्ले, बैडमिंटन में बरसा सोना, दिखाएंगे पूरी खबर। नमस्कार, पंचनामा के साथ हाजिर हूं रुबारा एसआर खान। शुरुआत करते हैं नोएडा के श्रीकांत त्यागी केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में घुसकर गुंडागर्दी करने वाले सभी 6 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जेल भेजे गए हैं। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर त्यागी ग्रुप नाम से एक ग्रुप बना लिया था, जिसके जरिए ये आरोपी श्रीकांत त्यागी की मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुटने की अपील कर रहे थे। सभी आरोपियों को मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आरोपी श्रीकांत त्यागी अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया है, फरार है। तो प्रशासन के एक्शन के बाद गालीबाज श्रीकांत गिरफ्तारी से बचने के रास्ते तलाश रहा है। नोएडा के गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आज कड़ी कार्रवाई हुई। नोएडा में ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। दूसरी तरफ प्रशासन श्रीकांत त्यागी के कारोबार की छानबीन भी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अवैध मार्केट से श्रीकांत किराया वसूल रहा था। प्रशासन इन पर भी बुलडोजर चला सकता है। आपको बता दें कि ओमैक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज और धमकी देने का आरोपी श्रीकांत त्यागी 4 दिनों से फरार चल रहा है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत की जानकारी पर 25,000 के इनाम का ऐलान किया है। साथ ही नोएडा पुलिस की 7 टीमें ऋषिकेश और हरिद्वार के आसपास के इलाकों में तलाश में जुटी हैं। पुलिस और प्रशासन के एक्शन से घबराए श्रीकांत त्यागी ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी, जिस पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी। तो वहीं इस मामले पर 6 पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है, महिला को भी पुलिस सुरक्षा दी गई है। और महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शपथ लेने वाले मंत्रियों को फोन जाने लगा है। कल सुबह मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह होना तय हुआ है। बीजेपी की तरफ से जिन लोगों को फोन किया गया उनके नाम सामने आ गए हैं, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, ये 3 नाम। इसके अलावा ये तीनों आपको बता दें बीजेपी के सीनियर नेता हैं, इन्हें मुंबई भी बुलाया गया है। और एबीपी न्यूज सबसे पहले आपको मंत्रियों के नामों की लिस्ट दिखाएगा। ये 3 नाम सामने आ चुके हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि सरकार गठन के 40 दिन बाद कल महाराष्ट्र में 20 मंत्री शपथ लेंगे। करीब 40 दिनों से महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल की सूरत एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस तक सिमटी हुई है। सरकारी बाबुओं के भरोसे महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक कल 20 से ज्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले गृह मंत्री हो सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 10 अगस्त से 19 अगस्त तक होगा। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की हलचलों के बीच आज फडणवीस ने शिंदे से मुलाकात भी की है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई। बिहार में नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबरों को लेकर हलचल तेज है। हमारा गठबंधन है, बाकी भविष्य में क्या होगा, अब 30-35 का भी सवाल आप पूछ दीजिएगा। अगर 24-25 पर कोई बात की जाए, अभी इसकी जरूरत क्या है, भविष्य में क्या होगा, ये कहकर जेडीयू के नेता बीजेपी के साथ गठबंधन का सस्पेंस बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि गठबंधन है और रहेगा। इस राज्य में उनकी जरूरत भी महसूस की जाती रही है, आज भी उनकी जरूरत महसूस की जाती है, तो हम तो चाहेंगे कि वो राज्य की सेवा करें। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 15 अगस्त से पहले बिहार में सत्ता का समीकरण बदल सकता है। वैसे जिस आरजेडी के साथ नीतीश के गठबंधन की बात कही जा रही है, उसके बड़े नेता इस बात को कैमरे पर खारिज कर रहे हैं। हम लोग के सामने कभी इस तरह का प्रस्ताव नहीं है और न ही हम लोगों ने किसी को प्रस्ताव दिया है, न हम लोगों ने किसी के प्रस्ताव को स्वीकार किया है।
राजनीति में कथनी और करनी में फर्क होता है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। वैसे कल ही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने पटना में अलग अलग अपने विधायकों की बैठक बुलाकर राजनीति का पारा गर्मा दिया है। तो बिहार की राजनीति में ये जो नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें चल रही हैं, इसी के बीच एक और चर्चा जो जोरों पर, वो ये कि क्या सत्ताधारी जेडीयू के विधायक टूट सकते हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेडीयू के कुछ विधायक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के संपर्क में है और खबर है कि पार्टी को टूट से बचाने के लिए ही मुख्यमंत्री निवास पर कल बैठक बुलाई गई। पार्टी के सभी 45 विधायकों को बुलाया गया है। सांसदों और विधान परिषद सदस्यों को भी मीटिंग में आने को कहा गया है। ललन सिंह ने मीटिंग बुलाए जाने की पुष्टि की है। विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राजधानी। जमीन घोटाले में घिरने के बाद आरसीपी सिंह ने उसे इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। बिना नाम लिए जेडीयू के कई बड़े नेता इस सियासी उठापटक के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और गोल्ड मिला है। शरद कमल को टेबल टेनिस सिंगल्स में गोल्ड मिला है और इसके साथ ही अब 22वां गोल्ड भारत को मिल चुका है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स से इस वक्त की बड़ी खबर, बैडमिंटन मेंस डबल्स में भी गोल्ड मेडल भारत के पास। आप देख रहे हैं पंचनामा। चीन ताइवान विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा जानकारी ये कि चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास कम नहीं किया है। आज फिर चीन ने अभ्यास जारी रखा। चीन ने लड़ाकू जेट, युद्धपोत और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए युद्ध अभ्यास किया है। 21 लड़ाकू विमानों के साथ चीन ने अभ्यास किया। और देखिए, ताइवान को लेकर चीन अब तक बेचैन है। कम से कम चीन की हरकतों से तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। चीनी सेना के लड़ाकू विमान की उड़ान बदस्तूर जारी है। रडार सिस्टम हरकत में है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी जा रही हैं। जमीन पर भी ताबड़तोड़ मिसाइल चल रही है। तनातनी के बीच चीन लगातार युद्ध अभ्यास के जरिए ताइवान को डराने में जुटा है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के एक हफ्ते बाद भी चीनी सेना के दक्षिणी कमांड इसी तरह आग बरसा रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रविवार शाम तक चीनी सेना के 14 लड़ाकू विमान समेत 66 विमान उसकी सीमा के आसपास मौजूद थे। चीनी सेना के लड़ाकू विमान यहां गश्त कर रहे हैं। ताइवान ने उन इलाकों में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। दिल्ली के बाटला हाउस में आईएसआईएस के गिरफ्तार संगीत को 16 अगस्त तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। बाटला हाउस से गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध मोहसिन अहमद को पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 अगस्त तक के लिए एनआईए के रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए की दलील है कि मोहसिन को जांच के लिए दूसरे शहरों में ले जाना है। जामिया मिलिया में बीटेक के छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई है। आप विधायक अमानतुल्ला खान ने छात्र को बेकसूर बताया तो बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोल दिया। ये आतंकवादी दिल्ली के लोगों को मारने का प्लान बना रहे थे। दिल्ली वालों की हत्याएं करना चाहते हैं और आप उन्हें मासूम बता रहे हो, बेकसूर बता रहे हो। सूत्रों के मुताबिक मोहसिन के लैपटॉप से संदिग्ध वीडियो की जानकारी मिली है। साथ ही सूत्रों का दावा है कि आरोपी मोहसिन डिजिटल करेंसी के जरिए आतंकी फंडिंग से जुड़ा था। खबर सियासी आर पार से जुड़ी हुई, मुद्दा फ्री रेवड़ी का, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ गई। 8 करोड़ रुपए का कुछ चंद लोगों का इन्होंने कर्जा माफ कर दिया। कहा जा रहा है कि उन चंद लोगों में कई इनके दोस्त थे, पक्के वाले दोस्त थे, तो उससे वो चलना चाहिए। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सरकारी पैसे से बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। सरकारी पैसे से गरीबों का फ्री इलाज नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे इनके दोस्तों के कर्जे माफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने, वो भी 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन लोगों ने। आज हमने देखा, छोटी वैगनार बड़ी गाड़ियों में तब्दील हो गई, सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, आम जनता से कटे हुए हैं। जनता जान गई है कि केवल आपके मंत्री जो हैं वो कट्टर बेईमान नहीं हैं, उनका नेतृत्व जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है वो भी कट्टर बेईमान है। आपकी विश्वसनीयता शून्य हो गई है, शून्य अंडा।
वो क्यों है? आप वादे कर देते हैं लेकिन जब पूरा करने का समय आता है तो आप उन वादों से दूर भाग जाते हैं। और इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक की दादागिरी की तस्वीरें सामने आई। एक सफेद रंग की गाड़ी टोल प्लाजा पर आकर रुकती है, बैरियर नहीं हटता है तो एक शख्स गाड़ी से उतरकर जबरन बैरियर हटवाता है। इसके बाद तो सुरक्षा में लगे गनमैन मोर्चा संभाल लेते हैं और जबरन बैरियर हटा देते हैं। गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए धड़ल्ले से गुजरने लगती है। इतना ही नहीं, पुलिस वाले टोल दिए बिना गाड़ी निकलवाने के लिए पूरी मदद करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पंजाब के होशियारपुर जिले की हैं, जहां बैरियर नहीं हटाने से आम आदमी पार्टी के विधायक करमवीर सिंह नाराज हो गए। फिर क्या था, विधायक के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी और समर्थकों ने दादागिरी दिखाते हुए बैरियर ही हटवा दिया। फिलहाल विधायक करमवीर सिंह की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अब अगली खबर, बिजली संशोधन बिल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बिजली संशोधन बिल को लेकर विवाद लगातार जारी है। लोकसभा में बिल पेश करने के बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का फैसला किया गया। बिजली संशोधन बिल पर सियासत भी लगातार जारी है। विपक्ष किसानों को नुकसान का आरोप लगा रहा है तो वहीं सरकार किसानों के साथ कनेक्शन से इनकार कर रही है। पॉइंट नंबर 4 साफ तौर से कहा था कि बिजली अमेंडमेंट बिल आपके साथ बातचीत सलाह मशवरा करने के बाद ही टेबल होगा, तो क्या किस अब सरकार की रिटर्न एश्योरेंस का भी कोई मतलब नहीं है? ये किसान को जो सब्सिडी मिलती है मिलती रहेगी, और सब्सिडी देना चाहते हैं और सब्सिडी दे दीजिए साहब, इसमें कहीं कोई उसके बारे में नहीं है, बल्कि क्रॉस सब्सिडी के प्रावधान को हम मजबूत कर रहे हैं। बिजली संशोधन बिल में यह प्रावधान है कि उपभोक्ता अपनी पसंद की कंपनी से बिजली की सप्लाई ले सकता है। बिजली बिल पर सब्सिडी को लेकर पंजाब के किसान भी विरोध में हैं। अगली खबर का रुख करते हैं राजस्थान के सीकर मेले में। भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के सीकर में विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम के मेले में भगदड़ मचने से 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, तो वहीं 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मंदिर में पुत्रदा एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए मंदिर पहुंची थी। इस दौरान करीब सुबह 4 बजे आरती के लिए मंदिर के कपाट बंद किए गए, जिससे मंदिर में भीड़ बढ़ी और अचानक भगदड़ मच गई, जिसके कारण ये हादसा हो गया। महिला और पुरुषों को एक साथ भीड़ के रूप में रेले के तौर पर छोड़ दिया जाता है और सब कुछ चलता है स्वयं सेवकों के भरोसे। केवल कुछ स्वयं सेवक अपने स्तर पर प्रयास करते हैं कि लोगों की भीड़ को काबू कर लिया जाए, लेकिन देखा जा सकता है कि किस तरीके की बद इंतजामी साफ तौर पर नजर आती है। इस हादसे पर पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत देश के तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है। सीएम गहलोत ने घटना के जाँच के आदेश दिए हैं, साथ ही मृतक श्रद्धालुओं के परिवार को 5-5 लाख और घायलों को 20-20 हजार के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में करंट लगने से एक कांवड़िए की मौत हो गई है। हाई टेंशन वायर के नीचे कांवड़िए गाड़ी पर डांस कर रहे थे, तभी भगवा रंग के कपड़े पहना ये शख्स करंट लगने से डीजे के बॉक्स पर औंधे मुंह गिर जाता है। इस युवक के साथी इसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद दूसरे भी करंट की चपेट में आ जाते हैं। एक के बाद एक 5 युवकों को करंट का झटका लगता है, जिसके बाद सड़क पर भगदड़ मच जाती है। तस्वीरें इंदौर के महू की है, जहां शिव भक्त बड़गोंदा से जल लेकर सिमरोल की तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, तो वहीं 4 गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने डीजे संचालक के विरुद्ध लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। और आज सावन का आखिरी सोमवार, और इस मौके पर मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ों में। सावन के आखिरी सोमवार में आज मंदिर बम बम भोले के नारों से गूंजते रहे। ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में खराब मौसम के बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा। बाबा पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों ने मौसम को भी मात दी। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में भी सावन की खूब धूम दिखी। श्रद्धालुओं ने यहां बाबा विश्वनाथ के दर पर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। उज्जैन के महाकालेश्वर में भस्म आरती के साथ भोलेनाथ की पूजा शुरू हुई। आज 30,000 से ज्यादा भक्त महाकाल का आशीर्वाद लेने यहां मंदिर पहुंचे। देवघर में बाबा बैद्यनाथ में भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। सुरक्षा निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन की मदद लेनी पड़ी। इसके अलावा हरिद्वार, प्रयागराज समेत देश के मंदिरों में भी सावन की रौनक दिखी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।